रुक करते हैं शिवपुर से इस वक्त की बड़ी खबर पर, जहां चुनाव के पहले भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां सिंधिया समर्थक बैजनाथ सिंह यादव ने बीजेपी से किनारा कर लिया है। बैजनाथ सिंह यादव भाजपा छोड़ थामेंगे कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस में शामिल होने काफिले के साथ भोपाल रवाना हुए कमलनाथ दिग्विजय सिंह के समक्ष लेंगे कांग्रेस की सदस्यता। शिवपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर, पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं एमपी से स्टेट हेड इमरान खान के साथ। इमरान बताइए, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए मामला मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जैसे ही विधानसभा के चुनाव आते जा रहे हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई और दल बदलने का नेताओं में लगातार दौर जारी है। उसी क्रम में शिवपुरी में ज्योतिराव सिंधिया के समर्थक माने जाने वाले प्रदेश का सदस्य बैजनाथ सिंह यादव ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में जाने का पूरा मन बना लिया है। और कुछ दिन पहले बैजनाथ सिंह यादव का कांग्रेस में शामिल होने की बात राजनीति के गलियारों में दौड़ पड़ी थी और वही बताया गया था कि बैजनाथ सिंह यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ भोपाल में कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो आज वही बैजनाथ कहीं ना कहीं अपने सैकड़ों साथियों के साथ, हजारों साथियों के साथ और एक काफला 200 से 300 गाड़ियों का काफला शिवपुरी से लेकर वो भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। और आज 12 बजे बैजनाथ सिंह प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे और उनके साथ करीब सैकड़ों कार्यकर्ता शिवपुरी के भी सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो लगातार जो दौर है कहीं ना कहीं दल बदलने का, जैसे ही मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही लगातार नेता दल बदल की राजनीति कहीं ना कहीं जारी है। और उसी क्रम में आज शिवपुरी में भाजपा को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं काफी सीनियर लीडर कहे जाते थे पहले सिंधिया समर्थक थे और सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में 2020 में इन्होंने वापसी की थी और उसके बाद फिर अपनी पार्टी वापस कांग्रेस में आज वो शामिल होने जा रहे हैं। तो एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर शिवपुरी में लगने को जा रहा है और कांग्रेस को बड़ी राहत कहीं ना कहीं शिवपुरी में, क्योंकि बड़े नेता कांग्रेस के पहले कहे जाते थे फिर वो सिंधिया के साथ सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए थे, उसके बाद आज फिर वो अपनी घर वापसी कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर जो 12 जून को बैजनाथ सिंह यादव को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था मध्य प्रदेश भाजपा के महामंत्री भगवान दास सवनानी की ओर से। उस जारी किए गए नोटिस में उनसे पूछा गया था कि सोशल मीडिया पर आपके कांग्रेस में जाने की खबरें जो आई हैं, आप इस पर स्पष्टीकरण दीजिए। तो कारण बताओ नोटिस का जवाब 13 जून को बैजनाथ सिंह यादव द्वारा इस पत्र के जारी भाजपा के महामंत्री भगवान दास सवनानी को भेज दिया गया था। और बैजनाथ सिंह द्वारा भेजे गए पत्र में लिखा है कि मैं 3 वर्षों से प्रदेश का मैंने उपेक्षा का दंड झेला है, इस कारण से मैं 13 जून को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। मेरा इस्तीफा स्वीकार कर मुझे पार्टी सहित दिए हुए दायित्वों से मुक्त किया जाए। और 14 जून आज भोपाल में बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस की वापसी का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ सहित दिग्विजय सिंह शामिल रहेंगे। इसी कार्यक्रम में बैजनाथ सिंह यादव भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भोपाल पहुंच रहे हैं और आज 12 बजे कहीं ना कहीं कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे और अपनी घर वापसी करेंगे। जी बात जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे थे, जहाँ चुनाव के पहले भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है।